अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अस्मा एंड वेलकम बैक टू माय कजन्स चैनल एंड ईद मुबारक। वेलकम बैक गाइस, आई एम सारा। ईद मुबारक एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड एंजॉयिंग लाइफ। हैप्पी ईद मुबारक टू एवरीवन। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग ईद विद योर लव्ड वंस। A day before Eid, I went to Giga with my cousin because we want to do some shopping. And I mean, it's really difficult to do vlogging outside, to take out camera and to start capturing the videos and, you know, the pictures, because people start staring at you. And I mean, it's not about people are staring at us, but it's about, you know, at some places it's not allowed to take pictures and videos, but at some places even if it's allowed, you know, I was so lazy at that time to ask for the permission and start taking the videos or start taking the pictures. So I decided not to. And then what I did, that I captured these kind of small clips for you guys, okay, to share my vlog with you. Actually, I'm not in a mood to share the Eid vlog because I was so busy previously on the first day of Eid and the second day of Eid. It's a feast at my home on both days. सो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं कोई चीज़ कैप्चर करूँ, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब मुझे टाइम मिला तो मैंने कैप्चर कर ली और मैंने उनसे एक व्लॉग बना लिया। और यू नो, इट्स काइंड ऑफ ईद व्लॉग, सो आई डिसाइडेड टू शेयर। सो या फाइनली वी आर डन विद द शॉपिंग एंड यू नो इट्स टाइम टू गो होम। एंड द थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर इज़ कि बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत रश थी। और अब ऐसा है कि जब यू नो एक पब्लिक प्लेस पर इतनी रश होती है तो ऑब्वियसली बिकॉज जो कोरोना सिचुएशन से हम गुजरे हैं, तो आई थिंक सो 70% पीपल ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। लाइक मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि मैंने यू नो जिनको मैंने देखा है। गाइज प्लीज़, आप लोग जब भी बाहर जाएँ मास्क यूज़ करें। इवन दो जो शॉप्स हैं वहाँ पर और कहीं पर भी आप जाते हो तो वो लोग तो अपनी तरफ से आपके लिए यू नो दे आर गिविंग यू द सैनिटाइज़र और प्रिकॉशंस हैं, बट अगर वो आपका ख्याल रख रहे हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी उनका ख्याल रखें। प्लीज़ मास्क पहने, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मास्क पहनना। और अगर हम पूरा साल भी आगे मास्क पहन के घर से बाहर निकलते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। आई थिंक सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके, और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और ऑब्वियसली बड़ी ईद पे सबसे जो एक्साइटिंग चीज़ होती है वो यू नो कुर्बानी के जानवर होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब की जो कुर्बानियाँ हैं उनको कबूल करें। और इस ईद पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम लोगों को जो नीडी लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम इतना सारा गोश्त अपने फ्रिजों में भर लें। ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है कि हम उन लोगों को दें और ऑब्वियसली आफ्टर डैट योर रिलेटिव्स। और इस ईद पे जो बड़ी ईद होती है इसमें दावतें तो होती हैं ऑब्वियसली। और मेरे घर तो ईद के तीनों दिन दावत होती है, बहुत मेहमान आते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत आप इन्जॉय करते हो, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आप थक भी जाते हो। तो यहाँ पे मेरे चाचू जो है वो बिरयानी के लिए गोश्त काट रहे थे क्योंकि हमारे घर में बिरयानी बननी थी। बिकॉज पहले दिन तो बिरयानी बनती है भाई, और मेरी चाची बहुत अमेजिंग बिरयानी बनाते हैं क्योंकि हम सब इकट्ठे होते हैं तो मिल के काम करते हैं, लेकिन बिरयानी हमेशा मेरी चाची बनाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त बिरयानी होती है, लाइक यू नो स्पाइसी एंड अमेजिंग काइंड ऑफ बिरयानी। सो यहाँ पे वो बिरयानी के लिए जो भी सीन था वो सारा तैयार कर रही थी और मैंने जो है उसको कैप्चर कर लिया। और लिटरली गाइस ये इतनी टेस्टी थी और इतने सारे लोगों के लिए बनती है, मतलब माशाल्लाह मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, सब इकट्ठे होते हैं और इतने सारे लोग होते हैं लेकिन फिर भी इतनी टेस्टी होती है, इट्स रियली अमेजिंग। और यस, आई जस्ट कैप्चर इट फॉर यू गाइस। और इसकी जो रेसिपी है मैं किसी दिन अपनी चाची से पूछ कर बनाऊँगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज यू नो आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइस, बिकॉज ये बहुत टेस्टी थी। आई मीन ये हर किस्म के लोगों के लिए, कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो ये बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, ठीक है। हालांकि मुझे स्पाइसी बिरयानी अच्छी लगती है, लेकिन ये नॉर्मल स्पाइसी थी, यानी कि आप हर जो बंदा स्पाइस लवर नहीं है वो भी ये बिरयानी खा सकता है। ये इस तरह की थी और बहुत अच्छी लग रही थी। सो इंशाल्लाह आई विल शेयर इट विद यू गाइस। एंड You guys can also tell me in comments what you guys did on your Eid. Don't hesitate, call me back.
तो ऑब्वियसली हर ईद पे मीठा तो होता ही है, सो यू नो ऑन दिस ओकेजन इस ईद पे हमने सोचा हम खीर बनाते हैं। और खीर बनाना वैसे सबसे आसान काम है और खीर मुझसे बनती भी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे खीर पसंद भी बहुत है और इसकी टॉपिंग करने में मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है। आपके घर में कोई भी ड्राई फ्रूट पड़ा है या कुछ भी पड़ा है विद वट एवर, जिस भी चीज़ के साथ आप करते हैं या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस बार मैंने एक नई चीज़ ट्राई की थी, वो ये थी कि शक्कर मैंने ट्राई की थी। गाइस जो चाय में डालते हैं शक्कर, ठीक है, वो शक्कर मैंने थोड़ी सी इस पर डाल दी, मैंने कहा लेट्स ट्राई कि क्या होता है, और बहुत टेस्टी थी। तो अगर आप लोग भी जब टॉपिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी शक्कर डाल दें तो वो खीर जब ठंडी होती है उसके बाद आप खाते हो तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है। बट ऑब्वियसली अगर आप मीठा खा रहे हो तो वो मीठा ही होगा, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मीठा पसंद, फिर उनके लिए मेरे ख्याल से वो उतना यू नो इतना वो फिर उनको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। Don't hesitate, call me back.